हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको कच्चे आलू से बने एक बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से नाश्ते की रेसिपी देने जा रही हूँ। आज का ये नाश्ता बिल्कुल नया नाश्ता है, काफ़ी ज़्यादा इजी है, बहुत ही कम चीज़ों से झटपट से तैयार हो जाता है। बारिश का है मौसम, पकौड़े खा के हो चुके हैं बोल, तो इस नए नाश्ते को ट्राई करना ना भूलें। इसकी फुल रेसिपी जानने के लिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहें, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने यहाँ पे छोटे चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। आलू में काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है तो इन्हें अच्छे से धो लें। आप इसकी जगह पे दो मीडियम साइज़ के आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी शेप में इन आलूओं को कट कर सकते हैं। क्योंकि हमें इन्हें ग्राइंड करना है तो मैंने इन्हें एक ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। अब मैं इसमें एक कप के करीब दही ऐड कर दूँगी, यहाँ पर फ्रेश दही का इस्तेमाल करें। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ ही 5 से 6 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्ची। अब हम सभी चीज़ों को बिल्कुल फाइन पीस लेंगे। तो देखिए, सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से पीस लिया है, मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अब बैटर को एक बाइंडिंग देने के लिए हम यहाँ पे सूजी ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ पे मोटी वाली सूजी ली है, आप कोई सी भी सूजी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी ली है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो सबसे पहले इसे मिक्स करके देख लेते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, उसी के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं, पहले जो हमने बैटर तैयार किया था वो आलू और दही से ही किया था, बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था उसमें। पर अब हम इसकी कंसिस्टेंसी देखते हुए इसमें पानी ऐड करेंगे, तो मैं इसके हिसाब से इसमें 1 बड़ा चम्मच पानी ऐड कर दूंगी। और अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल स्मूदली। तो मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर का ये बैटर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको भी तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा कुछ हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें कलर के लिए ऐड करेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और स्वाद के लिए ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे, जिसे ऐड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब मैं चम्मच की सहायता से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ईजिली मिक्स हो जाएगा इस तरह से। बट आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में हल्का सा घुमा लेंगे तो भी ये मिक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है, बैटर अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लिया है मैंने। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 पाउच इनो, इस तरह का पैकेट आता है 1 पाउच, उसमें से 1/2 पाउच आपको इनो इसमें ऐड कर देना है। इससे बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी ये नाश्ता तैयार होता है, बट आप चाहें तो बिना इसके भी बना सकते हैं। अब मैं इनो के ऊपर 1/2 छोटा चम्मच पानी डाल दूँगी, जिससे कि एक्टिवेट हो जाएगा बहुत अच्छे से। अब हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे, बैटर हमारा तैयार हो चुका है। बैटर में इनो डालने के पहले ही एक बर्तन को तैयार कर लें ग्रीस करके, तो ऑयल से मैंने एक बर्तन को ग्रीस करके तैयार कर लिया है, उसमें मैं सारा बैटर डाल दूँगी। सारा बैटर मैंने डाल दिया है। मैंने यहाँ पे एक केक टिन लिया है, उसमें ही मैं इसे स्टीम करूँगी, आप चाहे तो किसी भी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे स्टीम करने के लिए पहले से ही मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया था, पानी अच्छे से उबल चुका है। पानी उबलने के बाद उसके ऊपर से मैं इसमें छन्नी रख दूँगी, आप किसी स्टैंड या प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। छन्नी के ऊपर मैं इसे प्लेस कर दूंगी और ऊपर से ढक्कन लगा दूंगी। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे स्टीम करेंगे लगभग 15 से 20 मिनट तक के लिए। इसे स्टीम होते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, अब इसका ढक्कन मैं हटा दूंगी और चेक करूंगी इसे किसी टूथपिक से, आप किसी नाइफ से भी इसे चेक कर सकते हैं। टूथपिक को बिल्कुल सेंटर में डालकर चेक करेंगे, अगर क्लीन निकलती है टूथपिक इट मीन्स ये अच्छे से अंदर तक पक चुका है, और अगर नहीं निकलती है क्लीन तो आपको और लगभग 5 से 6 मिनट तक इसे स्टीम होने देना है। बट यहाँ पे हमारी टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है, इट मीन्स ये अच्छे से अंदर तक स्टीम हो चुका है। अब इसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो देखिए, ये हल्का सा ठंडा हो चुका है, अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। इसे गर्म गर्म में डीमोल्ड नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएगा, अच्छे से डीमोल्ड नहीं होगा। तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके साइड्स चाकू की मदद से छुड़ा लेंगे। इसके साइड छुड़ाने के बाद ऊपर से एक प्लेट रख देंगे और इसे उल्टा करके हल्का सा टैप करते ही ये निकल जाएगा आसानी से। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से ये डिमोल्ड हो गया है और काफ़ी ज़्यादा फ्लफी और स्पंजी तैयार हुआ है, और जालियाँ इसमें कितनी अच्छी आई हैं आप देख सकते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बट मैं इसे थोड़ा सा अलग अंदाज में बनाऊँगी। तो सबसे पहले इसे कट कर लेंगे, मैं इसे ट्राइंगल शेप में कट करूँगी।
आप देख सकते हैं बिल्कुल ढोकले के जैसा दिखाई दे रहा है, बट बहुत ही अलग है ढोकले से और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार है। तो मैंने इसे कट कर लिया है ट्राइंगल शेप में। मैं फिर से यहाँ पे बता दूं कि आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं किसी चटनी के साथ, बट मैं इसे थोड़ा सा शैलो फ्राई करूँगी। इसे काफ़ी ज़्यादा अलग तरह का और काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल ले लिया है एक पैन में, इसे मीडियम हॉट कर लें। अब हम इसमें डाल देंगे सारा नाश्ता फ्राई होने के लिए। मैंने सारा एक साथ ही फ्राई होने के लिए डाल दिया है, आप चाहें तो दो दो करके भी फ्राई कर सकते हैं। अब मैं इन्हें उलट पलट करते हुए हर साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के अंदर ये अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई हो गए हैं, कितने ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी दिख रहे हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे क्योंकि इनमें आलू है तो बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं कच्चे आलू से बना ये बहुत ही टेस्टी यम्मी सा नाश्ता बनकर हो चुका है तैयार, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी ये नाश्ता, इसे आप इंजॉय कर सकते हैं टमाटो केचप के साथ। अगर इस नए और यूनिक तरह की नाश्ते की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।